की राम राम, सुबह की राम राम है। वक्त उछला उत्तराखंड की तमाम खबरें दिखाने का। और उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर जो ये है वो यह है कि कल से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है कल से। और ये बजट सत्र जो होगा वो गैरसैंण में आयोजित करा रही है सरकार, तो इसलिए सबकी नजरें टिकी हुई है। तो 13 मार्च से लेकर आपको बता दें 18 मार्च तक बजट सत्र चलेगा और बजट पेश भी होगा, तो सबकी उम्मीदें टिकी हुई हैं। और विधानसभा में आज की बात करें तो आज सर्वदलीय बैठक होने जा रही है, कार्य मंत्रणा की भी बैठक होगी, तो विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। कार्य मंत्रणा समिति और सर्वदलीय बैठक आज हो रही है। आज भराड़ी सेन विधान भवन पहुंचेंगे स्पीकर ऋतु खंडूरी। भराड़ी सेन विधान भवन में सीएम धामी भी पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से पहले आज कार्य मंत्रणा की बैठक और सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। हमारे साथ आपको बता दें सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, विधानसभा का बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है कल से, लेकिन आज कार्य मंत्रणा की बैठक और सर्वदलीय बैठक, कहीं ना कहीं सर्वदलीय बैठक में यही कोशिश होगी कि सरकार सदन को सुचारू रूप से चला सके, इस पर जोर देगी सरकार? बिल्कुल बिल्कुल जेपी, देखिए कल से उत्तराखंड के विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। और किसी भी विधानसभा के लिए बजट सत्र पहला सत्र होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज मुख्यमंत्री करीब 1:50 पर पहुंचेंगे, ऋतु खंडूड़ी पहुंच चुकी है, नेता प्रतिपक्ष शाम तक पहुंचेंगे। और आज जो महत्वपूर्ण होगा, एक तो देखिए सर्वदलीय बैठक है जिसमें स्पीकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से सहयोग चाहेंगे, सदन में जनहित के काम हो पाए और सदन शांतिपूर्वक चले। दूसरी बैठक होगी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक, जिसमें हाउस को चलाने का एजेंडा तय होता है, किस दिन कौन सा विधेयक आएगा, किस दिन कैसे काम होगा, ये सारी चीज़ें तय होती हैं। और ये बजट सत्र इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि बतौर नेता सदन यानी मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी का ये पहला बजट सत्र होगा जो वो गैरसैंण में आयोजित कर रहे हैं। और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का भी ये पहला बजट सत्र है जिसमें वो गैरसैंण में बतौर राज्यपाल अभिभाषण पाठ करेंगे। तैयारियां पूरी है, सुरक्षा के लिहाज से बताऊं तो 3 लेयर की सुरक्षा है, बिना पहचान पत्र वाले विधानसभा परिसर के आसपास फटक भी नहीं पाएंगे। और तमाम जो प्रोटेस्ट होंगे वो विधान भवन परिसर से 4 किलोमीटर पहले देवाली खाल बाजार पे ही रोक दिए जाते हैं। कांग्रेस बड़ा कूच करने की तैयारी कर रही है, कल जब अभिभाषण का पाठ सदन में होगा तो बाहर कांग्रेस का हंगामा भी होगा, इसलिए कांग्रेस की भी रणनीति पूरी तरीके से तैयार है। सरकार ने अपने मंत्रियों को टिप्स दिए हैं, आज विधानमंडल दल की जब बैठक होगी तो उसमें मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहेंगे और यही चीज़ें कही जाएंगी। विपक्ष के जो सवाल होंगे, विपक्ष का जो हमला होगा, उसका काउंटर सरकार को किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें तैयार होंगी। जेपी, इस सत्र की सबसे बड़ी खासियत ये है, ये 2 साल बाद गैरसैंण में हो रहा है। पिछली बार जब सत्र खत्म हुआ था तो त्रिवेंद्र सरकार की विदाई हो चुकी थी, त्रिवेंद्र रावत का मनी बिल सदन में आ रहा था और त्रिवेंद्र रावत को भाजपा आलाकमान ने देहरादून बुला लिया था। तो ये उस घटनाक्रम को हम लोगों ने यहाँ गैरसैंण में देखा है, इसलिए 2 साल के बाद जब शुरुआत होगी तो नई शुरुआत होगी। युवा मुख्यमंत्री सदन में नेता सदन के तौर पर आ चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बीजेपी में गए तत्कालीन कैबिनेट मंत्री और अब नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य आ चुके हैं। तो इस बार जो सदन होगा वो सड़क और सदन दोनों जगह पर गर्मा गर्मी देखने को मिलेगी। सड़क होगा और कहीं ना कहीं गैरसैंण में अब सियासी गदर भी देखने को मिलेगा बजट सत्र के दौरान। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी, आपको बता दें गैरसैंण से हमें सीधी जानकारी दे रहे थे।